निगम के मोरवा क्षेत्र के अधिकारियों की तानाशाही देखने को मिली। बताया जा रहा है कि मोरवा बाजार से अतिक्रमण हटाने को लेकर सुबह 5 बजे हुई कार्यवाही में करीब 3 दुकानों के शटर तोड़े गए। जानकारी के मुताबिक राजस्व उप निरीक्षक रण बहादुर सिंह द्वारा जेसीबी की मदद से मुख्य बाजार में शिव प्रसाद एवं अनिल की 3 दुकानों को तोड़ने के चक्कर में दुकानों के शटर तोड़ दिए गए हैं, जहां माहौल गर्माता देख निगम अधिकारी मौके से भाग गए। घटना की सूचना पर पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रवीण तिवारी, पार्षद मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र गर्ग समेत सैकड़ों व्यापारियों को दी गई, जिसके बाद सभी ने सड़क जाम कर दिए एवं नगर निगम के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करने लगे। लगातार जब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, तब से लगातार इन कर्मचारियों की आतंक बढ़ता जा रहा है। मनमानी तरीके से इनको बिना सूचना दिए, बिना नोटिस दिए, इनको हफ्ते भर के 10 दिन की नोटिस देना चाहिए, उसके बाद अगर स्वयं नहीं हटाते तब ये इनको हटाना चाहिए। भोर में सोते हुए 4 बजे भोर में ये आके जेसीबी लगा के उसका शटर तोड़ दिए। शटर खुला है, कितना सामान गया कुछ पता नहीं। इनके ऊपर FIR होना चाहिए। अगर नहीं FIR हुई तो पूरा बाजार यहाँ बंद होगा, और इनका आतंक नहीं खत्म हुआ तो ये जान लीजिए आने वाले समय में ये पूरे बाजार को तबाह करके रखेंगे। अच्छा, ये कौन अधिकारी आए थे ये शटर तोड़ने की? नगर निगम में पैनल एक कमिश्नर है रण बहादुर सिंह, उप राजस्व निरीक्षक के पद पर पदस्थ है, लेकिन पूरे बाजार में उसका आतंक है। मनमानी तरीके से पैसे मांगता है, पैसे न देने पे उस संबंधित व्यापारी को परेशान करता है इस तरह से। तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ शटर तोड़ने रण बहादुर सिंह आए थे? रण बहादुर सिंह खड़े होके अपने सफाई कर्मचारियों से जेसीबी लगा के तोड़वाया गया। आप क्या चाहते हैं इस विषय में? इसमें नगर निगम कमिश्नर आए, कलेक्टर साहब आए, सिंगरौली को स्वच्छ बनाने के नाम पे व्यापारियों को परेशान न किया जाए। सिंगरौली स्वच्छ रहेगी, होना चाहिए, लेकिन किसी की रोजी रोटी बर्बाद करके स्वच्छ नहीं होना चाहिए। व्यापारियों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना एवं नोटिस के यह कार्यवाही की गई है। वहीं राजस्व उप निरीक्षक रण बहादुर सिंह द्वारा व्यक्तिगत तौर पर आपसी रंजिश निकालने के लिए बिना बताए कार्यवाही को अंजाम दिया गया, जिसे लेकर युवा व्यापार मंडल द्वारा मोरवा मार्केट का मुख्य मार्ग जाम कर निगम अधिकारी खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की गई है। मौके पर पहुंचे मोरवा निरीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह द्वारा लोगों को समझाइश देकर जाम खुलवाया गया। सिंगरौली से अनिल दुबे की रिपोर्ट।